नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम समय चक्र में। आपके साथ मैं हूँ दीपिका यादव। हर रोज की तरह हम लेकर हाजिर हैं ये खास प्रोग्राम, जिसमें हम आपको बताते हैं आपका राशिफल, जिसके मुताबिक कहाँ पर रहना है आपको अलर्ट और कहाँ पर करना है फोकस। साथ ही साथ चर्चा होती है खास विषय पर और अंत में सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण काम की बात। ये सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आपके एस्ट्रो फ्रेंड पंडित शशि शेखर त्रिपाठी। बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। जय गणपति। तो आइए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आज का पंचांग क्या है। संवत 2076 माह माघ कृष्ण पक्ष है। तिथि चतुर्थी तिथि है। आज दोपहर 2:50 तक इसके उपरांत पंचमी तिथि लग जाएगी। योग सौभाग्य योग है और चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है और मूल आज जो बच्चे 7:55 तक जन्म लेंगे वो बच्चे मूल में होंगे। और राहु काल दोपहर 3 से लेकर सायंकाल 4:30 तक है। वार मंगलवार है और दिशाशूल उत्तर दिशा की ओर है, तो आज उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से बचना चाहिए और कोई बहुत ज़रूरी काम है तो गणपति जी की आराधना करके ही घर से निकलिए। तो ये था आज का पंचांग। आइए अब शशि जी से जानते हैं पहली 4 राशियों का राशिफल। मेष राशि वालों के लिए फोकस है। सरकारी क्षेत्र या सरकारी किसी योजना का आपको लाभ मिल सकता है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी आज का दिन शुभ है। अलर्ट रहना है कि ऑफिस में वरिष्ठ से कोई भी हल्की बात मत करिएगा, नहीं तो आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। वृष राशि वालों के लिए फोकस है। विदेश जाने का मौका मिल सकता है। यदि आप विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं तो निश्चित रूप से आज कुछ आपको शुभ समाचार मिल सकते हैं। अलर्ट रहना है कि अपने शब्दों की कड़वाहट और कटुता को बहुत नियंत्रित करके रखिएगा, मत प्रयोग करिएगा, अन्यथा संबंध खराब हो सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए फोकस है। आज कोई पुराने मित्र या रिश्तेदार के साथ मुलाकात हो सकती है, जिससे पुरानी यादें भी ताज़ा हो सकती हैं। अलर्ट रहना है कि आज एक ओर आपकी मानसिक चिंताएं बढ़ेंगी और दूसरी ओर शारीरिक समस्या भी बढ़ सकती है, तो बहुत स्ट्रेस मत लीजिए। कर्क राशि वालों के लिए फोकस है। आज से कुछ व्यवस्था बनाइए जिससे कि कर्ज धीरे धीरे कम हो सके, तो कुछ अदा करते रहिए, बहुत ज़्यादा लोड रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अलर्ट रहना है कि कोई भी सामान बिना सोचे समझे लेना नहीं चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। तो ये था पहली 4 राशियों का राशिफल। लेकिन दर्शकों बता दें कि आपको कल है मकर संक्रांति, तो हम शशि जी से जानेंगे कि क्या होता है इसका महत्व और आपको रखना है किन बातों का ध्यान। दर्शकों, मकर संक्रांति यानी सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि सूर्य जो है वो मकर राशि में जाएंगे और मकर राशि है शनि की राशि, यानी पुत्र की राशि में पिता का प्रवेश। इसके अलावा एक आयन होता है, एक उत्तरायण और दक्षिणायन। जो उत्तरायण होता है वो देवताओं का दिन माना गया है और जो दक्षिणायन होता है वो देवताओं की रात। दरअसल 12 मास का देवताओं का एक दिन होता है, तो ये थोड़ा सा टाइम में अंतर है। तो जो उत्तरायण में अब जैसे ही मकर राशि में वो पहुंच जाएंगे तो वो अब उत्तरायण में आ जाएंगे। शास्त्रों के अनुसार जब सूर्य मकर राशि से मिथुन राशि तक भ्रमण करते हैं तब तक के समय को उत्तरायण कहा जाता है और ये 6 की अवधि होती है। और इसके बाद जब सूर्य कर्क से धनु राशि तक विचरण करते हैं वो समय होता है दक्षिणायन, ये भी अवधि 6 की ही होती है। जब सूर्य उत्तरायण में आते हैं तो 3 ऋतुएं हो जाती हैं, शिशिर वसंत और ग्रीष्म, और जब दक्षिणायन में सूर्य जाते हैं तो वर्षा शरद और हेमंत ऋतु हो जाती है। दर्शकों, सूर्य का जो प्रभाव है, सूर्य हर राशि 1 में बदलते हैं, यानी संक्रांति तो 12 राशियों में होती है, लेकिन मकर संक्रांति, मकर में सूर्य का प्रवेश, इसका एक बहुत महत्व है। पुत्र
की राशि में पुत्र के घर में पिता का प्रवेश है। और दर्शकों, ये बड़ी गहरी बात है कि इस समय पापों का नाश हो जाता है। सूर्य पिता हैं और वो कर्म के घर में जा रहे हैं। शनि का घर कर्म का घर है। काल पुरुष की कुंडली में मकर राशि कर्म की राशि है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भाग्य यानी लाइट और लेबर, इन दोनों का एक मिलन है। अब दर्शकों, हम लोग बात करते हैं कि आखिर मकर संक्रांति में दान पुण्य का विशेष महत्व है। और अनाज का दान, खिचड़ी का दान, तिल का दान, इस सब की परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं। तो अब ये समझते हैं क्या राशि के अनुसार किसकी कौन सी राशि है वो क्या दान करे, अपनी क्षमता अनुसार ये दान करना चाहिए। इसमें दान, जैसे मेष राशि जिन लोगों की है, वो लोग गुड़ दान कर सकते हैं, मूँगफली के दाने दान कर सकते हैं, साबुत मूँगफली भी कर सकते हैं और तिल का भी दान कर सकते हैं। अब तिल के लड्डू भी दे सकते हैं क्योंकि उसमें गुड़ और तिल दोनों ही होता है। वहीं वृष राशि वालों को सफ़ेद कपड़ा दान कर सकते हैं, दही कर सकते हैं और तिल का दान भी कर सकते हैं। मिथुन राशि वालों को मूंग की दाल, चावल, पूरी खिचड़ी, कच्ची खिचड़ी बना के आप दान कर सकते हैं, कंबल का भी दान कर सकते हैं। कर्क राशि वालों को चावल दान कर सकते हैं, संपन्न हैं तो चांदी दान कर सकते हैं, सफ़ेद तिल दान कर सकते हैं। सिंह राशि वाले तांबा दान कर सकते हैं, गेहूं दान कर सकते हैं और इसमें ये भी कर सकते हैं कि छोटा सा, अगर बहुत संपन्न है तो थोड़ा सा सोने का भी कोई आइटम दान कर सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए खिचड़ी दान कर सकते हैं, कंबल दान कर सकते हैं और कपड़े में भी हरे रंग का कपड़ा, हरे रंग का कंबल दान देना शुभ रहेगा। तुला राशि वालों के लिए सफ़ेद रंग के कपड़े कर सकते हैं, अमेरिकन डायमंड जरकन जिसको कहते हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा शक्कर दान कर सकते हैं और लग्जरी यानी कि एक उच्च कोटि का कंबल भी दान कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए आप मूंगा दान कर सकते हैं, लाल कपड़ा दान कर सकते हैं और तिल दान कर सकते हैं और गेहूं भी दान कर सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए पीले रंग के वस्त्र किसी वृद्ध ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, हल्दी दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप चने की दाल भी दान कर सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए काला तिल, तेल या काले तिल के लड्डू, ये सब आप दान कर सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए काला कपड़ा, थोड़ा जामुनी कलर का कपड़ा, काली उड़द, खिचड़ी व तिल का दान आप कर सकते हैं। मीन राशि वालों के लिए रेशम का कपड़ा, चने की दाल, चावल और तिल दान कर सकते हैं। दर्शकों, इस तरीके से सब दान नियमित रूप से करने चाहिए। हर घर से दान होता है और सुबह स्नान करने के बाद दान का एक व्यवस्था निकाल के एक प्लेट में खिचड़ी, ये जो दान सामग्री, चावल, गुड़, तिल के लड्डू और दक्षिणा, उसको स्पर्श करना चाहिए और उसके चारों ओर जल का आचमन कर देना चाहिए। इससे आपको मकर संक्रांति में दान का बहुत महत्व। और एक खास बात यह है कि यदि आप प्रयाग के आसपास रहते हैं यानी प्रयागराज, अगर आप प्रयागराज में रहते हैं और आप गंगा स्नान करने नहीं जा रहे हैं तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, बिल्कुल जाना है। और अगर आप प्रयागराज जाकर स्नान कर सकते हैं तो बहुत महत्व है, क्योंकि इस दिन यहाँ पर सभी देवी देवता आते हैं और इसके महत्व के बारे में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा भी है। इसके अलावा आपको ध्यान ही रखना है कि जब भी, अब आप मानिए कहीं और रहते हैं, वहाँ गंगा नदी है, किसी भी पवित्र नदी में आप स्नान करिए, क्योंकि इस समय गंगा स्नान करने का बहुत महत्व। और तुलसी बाबा ने कहा भी था कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहीं आव सब को ही, और देव धनुज के नर नर श्रेणी, और सादर मज्जहीं सकल त्रिवेणी। यानी माघ में जब सूर्य मकर राशि में जाते हैं तब सब लोग तीरथ राज प्रयाग आते हैं, यानी देवता, दैत्य, किन्नर, मनुष्य के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करने आएंगे, तो उसमें जाना चाहिए। इसके अलावा आहार में एक मान्यता है तिल के लड्डू खाए जाते हैं और इसका भी एक साइंटिफिक कारण है। देखिए, काले तिल शनि को रिप्रेजेंट करते हैं और जो गुड़ है
ये गुड़ रिप्रेजेंट करते हैं सूर्य को, और इन दोनों के जो मिक्सचर है, जो ये लड्डू हैं, इनको धूप में बैठकर खाना चाहिए। यानी मकर संक्रांति में धूप भी लेना है और वो लड्डू भी खाना है। ये साल भर का कैल्शियम के लिए पर्याप्त, यानी जितना इसको आहार इसलिए जोड़ा गया था क्योंकि इस आहार में स्वास्थ्यवर्धक है, शरीर की ड्राइनेस को तिल दूर करता है, और तिल बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है, और कैल्शियम की मात्रा की भी जो भी कमी है उसको भी पूर्ति करता है। तो इस तरीके से इस मकर संक्रांति का पूरा सदुपयोग करना चाहिए, और पूरे रिचुअल तरीके से एक मानसिक रूप से आपको पूरा इसको मनाना चाहिए। तो हमने शशि जी से जाना मकर संक्रांति के बारे में, और अब वक्त है आपके सवालों का। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें अपना सवाल डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप या फिर मेल कर सकते हैं। हमारी डिटेल्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश की जा रही है। इसके अलावा आप हमें अपना सवाल वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज का हमारा पहला सवाल कौन सा है इस वीडियो के जरिए। नमस्कार गुरु जी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हूँ। नाम गोविंद तिवारी, डेट ऑफ बर्थ है 26 नवंबर 1985, टाइम शाम के 5 बजे, और प्लेस है कानपुर, उत्तर प्रदेश। इस समय वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनका मन करता है कि वो अपना कुछ काम डालें या अपना कुछ बिजनेस करें। तो कृपया आप ये बताएं कि उन्हें किस फील्ड में जाना चाहिए ताकि उन्हें सफलता मिले, या कौन सा बिजनेस करना चाहिए जिसमें वो सफल हो जाएं। धन्यवाद। गोविंद तिवारी जी की पत्नी का प्रश्न है कि अभी ये प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, क्या अपना बिजनेस प्रारंभ करना चाहिए। वृक्ष लग्न है और मेष राशि है। देखिए, चंद्रमा की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। दूसरी चीज़ ये समझनी है कि अभी व्यापार में, अभी अपना काम करने के लिए समय ठीक नहीं है। अभी जो भी जॉब कर रहे हैं वो जॉब करते रहें, जॉब चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर अवसर उनके पास ऑफर हो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अभी इनको कोई व्यापार में निवेश वगैरह नहीं करना चाहिए। इसका अभी ये जो समय आएगा वो 2025 के आसपास आएगा, तो अभी तो आप इसी में काम करें। और अभी जो समय चल रहा है ये जनवरी के बाद, यानी फरवरी से इनकी स्थितियां कुछ बदलेंगी। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। तो अगला सवाल है गिरिजा शंकर तिवारी का, और इनका डेट ऑफ बर्थ है 13/12/1981, वक्त है सुबह के 4:30 बजे का, और प्लेस है गोंडा, उत्तर प्रदेश। इनका सवाल है कि इनका कारोबार 2 साल से बंद पड़ा है और इनके ऊपर काफ़ी कर्ज भी है, और इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें। गिरिजा जी का प्रश्न है कि कारोबार इनका बंद है, काफ़ी परेशान है, 2 वर्ष हो गए हैं। तुला लग्न है, मिथुन राशि, और जो ग्रहों की स्थिति है और अंतरदशा थोड़ी गड़बड़ चल रही है आपकी। देखिए, आप बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से धैर्य रखा हुआ है। अभी अगस्त तक थोड़ा और धैर्य रखना है, धीरे धीरे चीज़ें बनेंगी और एक फिर से रिवाइव होगी चीज़ें, क्योंकि अभी राहु के कारण आपका मन बहुत परेशान है, चीज़ें बन नहीं रही हैं, काम नहीं बन पा रहे हैं। एक छोटा सा आप उपाय करिए, आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ करिए, इसको आप एकादशी करिए, और इसको आप प्रारंभ करिए, आपके सारे काम भी बनने लगेंगे, और किसी विष्णु जी के आप दर्शन कर सकते हैं, बद्रीनाथ के दर्शन कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और शशि जी से जान लेते हैं अगली 4 राशियों का राशिफल। सिंह राशि वालों के लिए फोकस है, अभिभावक बच्चों को ई लर्निंग के माध्यम से शिक्षा दिला सकते हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चों को ज्ञान दिला सकते हैं। अलर्ट रहना है, अपने आलस को दूर रखने का वक्त है, बिल्कुल भी आलस मत करिएगा वरना आप लक्ष्य से भटक जाएंगे। कन्या राशि वालों के लिए फोकस है, यदि कोई आपकी बातों को नहीं समझ पा रहा तो क्रोधित मत होइएगा, बहुत धैर्य के साथ प्रेम से समझाइए, सब समझ जाएंगे। अलर्ट रहना है कि स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए आपको स्वास्थ्य संबंधित मामलों में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तुला राशि वालों के लिए फोकस है, परिवार के साथ आपको
स्वभाव बहुत सौम्य रखना होगा, प्रसन्नता का माहौल रखें। अलर्ट रहना है कि अत्यधिक शो ऑफ आर्थिक तंगी का कारण बन सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए फोकस है, घर से रिलेटेड कोई सामान लेने की सोच रहे हैं तो दिन उपयुक्त है। अलर्ट रहना है कि अपने ज्ञान का बखान दूसरों के दिलों पर गलत छाप छोड़ सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो ये था अगली चार राशियों का राशिफल। आप जान लेते हैं कि आज का हमारा तीसरा सवाल कौन पूछ रहा है। अगला सवाल विनीत कुमार सोनी जी पूछ रहे हैं और इनका डेट ऑफ बर्थ है 23/6/1983, वक्त है 3 AM और जगह है सियोनी मध्य प्रदेश। सवाल इनका यह है कि इनकी शादी नहीं हो पा रही, अगर कहीं बात बनती है तो वो टूट जाती है और काम धंधा भी कुछ ठीक ठाक नहीं चल पा रहा। विनीत जी का प्रश्न है, विवाह नहीं हो पा रहा है और काम धंधा भी ठीक नहीं चल रहा है। मेष लग्न है और वृश्चिक राशि और दशा बहुत, विवाह के लिए तो देखिए बहुत फेवरेबल दशा चल रही है, लेकिन यही इक्वेशन व्यापार के लिए, काम के लिए उतनी पॉजिटिव नहीं है, तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा। विवाह को लेकर तो आप चिंता छोड़ दीजिए, विवाह आपका होने ही वाला है। 24 जनवरी के बाद चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलेंगी और काम भी आपको इसके बाद बढ़ेगा। आप जो भी काम करते हैं और अगर रोज़गार की तलाश में हैं तो आपको निश्चित रूप से रोज़गार मिलेगा। अब बिल्कुल आप कमर कस लीजिए, अब आपके पास काम आने वाला है और 2.5 वर्ष जुट के काम करना होगा, कठोर तप करना होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और शशि जी से जान लेते हैं बाकी बची चार राशियों का राशिफल। धनु राशि वालों के लिए फोकस है, आज थोड़ा समय पूजा पाठ में अधिक देना चाहिए, गणपति बप्पा को दुर्वा चढ़ाइए आज। अलर्ट रहना है कि कहीं लंबी दूरी पर यात्रा करने जा रहे हैं तो अपने सामान जो भी रखना है आपको उसकी लिस्ट बना लीजिए, कुछ सामान आप भूल सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए फोकस है, विद्यार्थियों को पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है तभी सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। और अलर्ट रहना है कि आज ऑफिस में आपको काफ़ी अलर्ट रहना चाहिए क्योंकि काम ज़्यादा होगा और बॉस की निगाह भी आप पर होगी। कुंभ राशि वालों के लिए फोकस है, प्रबंधन क्षमता जो है, करने वाले जो काम हैं आपके वो बहुत अच्छे हैं, टीम का नेतृत्व भी आपको करना पड़ सकता है। अलर्ट रहना है कि दिल की बीमारी अगर आपको है तो अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखिएगा। मीन राशि वालों के लिए फोकस है, सॉफ्टवेयर से संबंधित जो लोग काम करते हैं उनको लाभ होगा, वहीं जिन लोगों का प्रमोशन मिलना है उनको प्रमोशन मिल सकता है और जो लोग सेवानिवृत्त हैं उनको आज रेस्ट करना चाहिए। अलर्ट रहना है कि खेल से जुड़े हुए लोगों को आज थोड़ी सी निराशा हाथ लग सकती है, कुछ मैच वगैरह हो तो आज पराजय स्वीकार करनी पड़ेगी। तो ये था बाकी बची चार राशियों का राशिफल। अब जान लेते हैं कि आज का हमारा चौथा सवाल किसका है। अगला सवाल रौनित मिश्रा जी पूछ रहे हैं और इनका डेट ऑफ बर्थ है 11/5/1984, वक्त है सुबह के 7:35 का और जगह है पटना बिहार। सवाल इनका यह है कि इनकी सरकारी नौकरी कब तक लग पाएगी। रौनित जी का प्रश्न है कि गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, कब तक लगेगी। मिथुन लग्न है, कन्या राशि है और देखिए सूर्य की स्थिति काफ़ी अच्छी है इसमें, लेकिन दशा बहुत फेवरेबल नहीं चल रही। आपको कुछ उपाय करने चाहिए। आपको सबसे पहला उपाय ये करना है कि घर में जो रोटी बनती है उसमें अंतिम रोटियां, जो तवे की आखिरी रोटियां हैं, वो कुत्तों को डाला करिए, कुत्तों को खिलाइए, सुबह पक्षियों को दाना डालिए और सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। ये 3 काम आपको करने हैं, इससे धीरे धीरे स्थिति आपकी ठीक होगी। जुलाई 2020 से 2022 के बीच में संभावनाएं दिखाई दे रही। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और चलिए अब कार्यक्रम के अंत में बात कर लेते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण काम की बात की। आज की काम की बात है, देखिए मकर संक्रांति से जुड़ी हुई है। देखिए अगर आपने जन्मपत्री दिखाई हो या आपको पहले से पता हो कि कुछ निगेटिव समय चल रहा है, पूर्वजन के बहुत पाप हैं,
किसी ने पितृदोष बता दिया है, कई प्रकार के दोष बताए जा रहे हैं और काम भी नहीं है, जीवन में बहुत कष्ट प्राप्त हो रहा है, तो एक उपाय करिए। थोड़ा सा कठिन हो सकता है या थोड़ा सा महंगा हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार की समस्याएं हैं, जो बहुत ही सब चीज़ें रुकी हुई हैं, उसमें ये उपाय बहुत कारगर है। आप गंगा तट पर ये दान होगा, एक दान करना है गाय का, आपको गंगा तट पर गाय का दान करना चाहिए। और ये कहा गया है कि गाय का दान यदि गंगा तट पर किया जाए तो जितने भी पाप हैं, जो भी एक बहुत खराब खराब जो भी योग हैं, दोष हैं, इनका शमन हो जाता है। तो दर्शकों, ये थी आज के काम की बात, और आज के इस खास कार्यक्रम में आपने जाना आज का राशिफल, और साथ ही आपने जाना कि मकर संक्रांति में क्या कुछ आपको करना चाहिए। इसी के साथ आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार, आपका भी बहुत शुक्रिया पंडित जी। जय गणपति।